हेलो फ्रेंड्स, मैं विरल सालिया और मेरी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं हर बार नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ टेक्निकल ट्रिक्स के बारे में, टेक्निकल फंडा के बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के बारे में, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड मोस्ट IMP मटेरियल के बारे में। तो चलिए आज भी कुछ ऐसा ही इस वीडियो में सीखते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो की ओर विद फन के साथ। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और साथ ही प्रेस करिए बेल आइकॉन को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में। तो चलिए इसकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हाल में ही आम बजट 2019 जारी हुआ है। इस बजट में किसानों का खास ख्याल रखा गया है। सभी गरीब किसानों को वार्षिक 6,000 देने के लिए एक नई योजना का शुभारंभ हुआ है। इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। घोषणा के बाद से यही योजना बहुत चर्चा में, जहां कांग्रेस कह रही है कि सालाना 6,000 देकर सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसानों के उत्थान के लिए यह अपनी तरह की एक पहली योजना है। हाल में ही एक भाषण नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ राज्यों में किसानों के कर्ज माफ तो किए, लेकिन उनसे सभी किसानों का भला नहीं हुआ। इसीलिए ऐसी योजना की आवश्यकता भी, जो गरीब किसानों को भी फायदा पहुंचा सके, इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ हुआ। हम जानते हैं कि इस योजना से संबंधित कई प्रश्न हमारे किसान भाइयों के दिमाग में ही, इसलिए इस लेख में हम आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की संपूर्ण जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। योजना के तहत सभी लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह 6,000 तीन किस्तों में, यानी कि दो दो और दो, दो दो हजार के तीन पार्ट में दिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि यह पैसा DBT के जरिए सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू कर दी गई है। पहली किस्त जल्द ही जारी होगी, यानी कि पहला जो 2,000 का हफ्ता है वो 31 मार्च से पहले ही आ जाएगा। इस स्कीम से देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। अंतरिम बजट में इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये किसी योजना का लाभ किन किन किसानों को मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं लघु और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा, उनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है। बड़े आर्थिक रूप से समृद्ध किसानों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर कोई 4 हेक्टेयर जमीन है तो उसको ये योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ जमीन और 12.5 बीघा बोलते हैं उसको, तो उसको ये लाभ मिलेगा। और मेरे ख्याल से ऐसा भी है इस योजना में कि अगर आपके पास 4 हेक्टेयर जमीन है और उसमें 2 भाइयों के अलग अलग नाम है और दोनों भाई अपने अलग अलग फैमिली में रह रहे, तो उसका जो उसका भी इसमें समावेश होगा, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया है, तो वो भी शायद इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे। देश के सभी छोटे किसानों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान। DBT से खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर, इसकी वजह से इस योजना की किसी भी तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। 2,000 की 3 किस्तों में भुगतान होगा। इच्छुक किसानों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। पहले हफ्ते के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, बाद में आधार कार्ड आपको आवश्यकता होगी। किसी भी बैंक में खाता होना आवश्यक है और बैंक अकाउंट और आधार लिंक होने चाहिए। मांगे जाने पर किसानों को जमीन के कागजात दिखाने होंगे। अगर आपके पास जमीन के 8-7-12 भी दिखाने को बोले तो आपको वो भी देने पड़ेंगे। तो ये थी योजना जिसकी मैंने आपको पूरी डिटेल में बात की।
अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताएं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।